अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट एंड नॉलेज। गाइस, खाना पकाना भी एक आर्ट है, लेकिन मैं इस आर्ट में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, बस जो मैंने अपनी खाला और अपनी अम्मी से, जो बहुत परफेक्ट है वाकई में, उनसे सीखा है, तो वो एक डिश शेयर करना चाह रही हूँ, बिरयानी प्लस कौरमे की। कि अगर चाहे तो कौरमे पे स्टॉप कर दें और उसी कौरमे को सुखा के आप बिरयानी में ऐड कर लें, तो वो चावलों में ऐड कर लें तो बिरयानी रेडी हो जाएगी आपकी। कुछ भी नहीं करना है, तेल में प्याज को तलना है, उसमें चिकन डालनी है, तीन चीज़ें याद रखनी है, सालन का मसाला, गरम मसाला, हरा मसाला। सालन के मसाले में तीन चीज़ें होती हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन। हरे मसाले में हर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। गरम मसाले में लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी। इन सबको एक साथ मिलाना है, कवर करना है लो फ्लेम पे, ढक के। सामने चिकन दिख रही है आपको, 1 किलो चिकन लिए मैंने। इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन, नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन, और पहले मैंने तेल में प्याज फ्राई कर ली थी 2 डल्ली तकरीबन, उसी में चिकन डाल दी थी मैंने ये वाली। इस मसाले के बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल दें इसी के अंदर, फिर दही डाल दें। सब कुछ साथ साथ डालते जाना है, हल्की आंच पे पका लें, ढक के पकाना है। 10 मिनट बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, चेक कर लीजिए अपने आप के आपके आलू गले हैं या नहीं गले। अगर नहीं गले तो 5 मिनट और रहते, पर मेरे गल गए हैं, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और गल गए। ये आपका गाइस कोरमा रेडी हो गया है। अपनी मर्जी से गाढ़ा या पतला रखना है तो पानी ऐड कर दें या फिर ना करें। ये कोरमा बहुत मज़े का कोरमा होता है। इसी कोरमे को और सुखा लेंगे आप, तो वो चावलों की तह के लिए मसाला तैयार हो जाएगा। चावलों पर तह लगा दी मैंने बिरयानी के लिए, और दम पे जो चीज़ें डलती हैं, जर्दे का रंग, पुदीना और तली हुई प्याज। कुछ लोग दूध भी डालते हैं ऊपर से, पर मैं दूध नहीं डालती क्योंकि मेरी अम्मी और खालन डालती, मैंने उनकी रेसिपी से बनाया है ये। तो ये टमाटर लेस बिरयानी तैयार हो गई। जो लोग हैदराबादी हैं वो तो खैर देख के फ़ौरन समझ गए होंगे कि ये हैदराबादी बिरयानी और कौरमे की रेसिपी है। कौरमा हैदराबादी ऐसी बनता है, बिरयानी भी ऐसी बनती है। देखिए दम लग चुका है इसको, एक बिरयानी कच्ची यखनी की होती है और एक पक्की यखनी की होती है, तो ये पक्की यखनी की बिरयानी है, बहुत टेस्टी होती है। और टमाटर की, सबसे बड़ी बात टमाटर के बगैर बनती है।